मैं सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुनव्वर फारूकी का जो कॉमेडी है और उसके अलावा जो शायरी है, रैप और गाने का मैं उतना ज्यादा फैन नहीं बन पाया हूँ और ना ही उतना ज्यादा सुनता हूँ, बट कॉमेडी और शायरी की बात की जाए तो मैं डाई हार्ट फैन हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कह रहा हूँ कि UK07 यानी अनुराग दोबल के साथ में जो हुआ है उस चीज से मैं सहमत नहीं हूँ। तो बंदा हाजिर है और आज इस वीडियो में बात होने वाली है UK07 के इविक्शन के बारे में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ, वीडियो का एंड तक जरूर देखना। एक चीज तो मैंने नोटिस किया है, पता नहीं अनुराग दोबल के साथ में बिग बॉस का क्या ऐसा हो गया, या फिर बिग बॉस को जो है मुंह पे सुनना या फिर सच सुनने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि जब से अनुराग दोबल ने एक एक चीज को रेक्टिफाई करना शुरू किया, इसके साथ में जो है ये ट्रीटमेंट की जा रही है, इसके साथ में ये हो रहा है, मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, वो सुनने के बाद से जो है शायद मेकर्स और बिग बॉस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और तब से इसके पीछे पड़ गए। पिछले एक हफ्ते से ट्राई कर रहे थे कि इसको कैसे भी घर से बाहर निकाल दिया जाए, जिसके वजह से ईशा से वोटिंग करवाया गया था और ईशा जो है अपना पर्सनल ग्रज निकाली और ऐश्वर्या को बाहर निकाल दिया और एक तरह से देखा जाए तो UK07 को बचा लिया। लेकिन इस हफ्ते एक बार फिर से इविक्शन के बाद बिग बॉस ने मिड वीक इविक्शन का सोच लिया और वोटिंग के लिए रख दिया पिछले तीन कैप्टन को, जो कि भाई कैप्टनसी टास्क जीत करके कैप्टनसी निभाए थे। उनको कहा गया कि उनके हिसाब से इस घर में कौन नॉन डिजर्विंग कंटेस्टेंट है उसको वोट आउट किया जाए। अब ये जब प्रक्रिया चल रही थी तो खुला खुला देख रहा था कि तीन लोगों ने तीन अलग अलग लोगों को वोट आउट किया और उसके बाद से बिग बॉस फिर से शांत हो गए। उसके बाद मुनव्वर फारूकी का अनुराग दोबल के साथ फिर से झगड़ा होता है और धीरे धीरे वो झगड़ा जो है बहुत पीक पे चली जाती है और सिर्फ मुनव्वर फारूकी के साथ नहीं, आधा घर, लगभग आधा घर अनुराग दोबल के खिलाफ खड़ा था। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए बिग बॉस ने खेला गेम कि भाई अभी जो है एक बार और वोटिंग करवाते और इस बार सीधा घर से बेघर करने के लिए होगा और लोगों के मूड के हिसाब से वही चीज हुआ। बाय द वे एक और चीज बताना चाहता हूं कि ये जो वोटिंग हुई थी वहां पे एक सबसे बड़ी नाइंसाफी ये थी कि बिग बॉस ने सबको कन्फेशन रूम में बुला करके वोटिंग के लिए कहा था, लेकिन सभी लोगों ने वोट करने के बाद बाहर जाकर के अपने साइन से बता दिया उन्होंने किसको वोट आउट किया है और उसी को देख करके जितने भी कंटेस्टेंट हैं उन लोगों ने भी उसी तरह से वोटिंग किया। तो भाई अगर ऐसा ही करना था तो सबको एक साथ बैठा करके ही कह देते कि कौन कौन खिलाफ है, हाथ उठा लो, सारे लोग उठा देते थे एक दूसरे को देख करके, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जहां तक की बात UK07 का अनडिजर्विंग होने का था कि वो डिजर्व नहीं करते इस घर में, उस चीज से तो मैं भी एग्री करता हूं। भाई साहब कभी नहीं दिखते और कुछ करते भी नहीं है। हाँ, इस चीज का चौड़ उनमें भर भर के था कि उनके जो फैंस बाहर बैठे हुए वो उनको वोट आउट नहीं होने देंगे, इतना वोट करेंगे कि उनको निकालना असंभव हो जाएगा। लेकिन जो इविक्शन था उसको भाई वोटिंग के ऊपर में छोड़ना था, ना कि घर वालों की मर्जी और बिग बॉस की मर्जी पे। तो अनुराग दोबल जो है बाहर जाके अभी चौड़ में अपना भाई बता रहा है कि भाई मेरे साथ अनफेयर हुआ है, ये चीज वो बंदा हक से कह सकता है। बाकी सारे कंटेस्टेंट की अगर बात ध्यान से सुनी जाए तो वो गलत नहीं थे, लेकिन एक भेड़ चाल चलकर और हवा की दिशा को देखते हुए उसको घर से बाहर निकालना, ये बहुत बड़ी गलती थी। और हाँ, मुनव्वर फारूकी को गुस्सा आया था, इससे पहले भी एक बार झगड़ा हुआ, लेकिन जिस तरह से अभी हुआ उस चीज का इस्तेमाल करना बहुत ही गलत था भाई। दैट इज द मेन रीजन कि बिग बॉस 17 जो सीजन है ये बिग बॉस के सारे सीजन्स में सबसे बड़ा फ्लॉप होने वाला है, एंड आई थिंक हो ही चुका है क्योंकि इसके अंदर में अटेंशन आ ही नहीं रहा है। जब से आयशा आई है थोड़ा लोगों का अटेंशन आ गया होगा, टीआरपी थोड़ी ऊपर आ गई होगी, लेकिन जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि हर चीज में बिग बॉस बीच में घुस आता है, ये चीज बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग सा फील होता है। मतलब कोई आपको दिन रात बैठ करके कान लगा के सुन रहा है और आपकी किसी एक चीज को लेकर के मजा लेना शुरू कर दे तो भाई कितना अनोइंग लगता है, आप खुद समझो। तो मेरे हिसाब से ये सीजन पूरी तरह से फ्लॉप है और इसी वजह से जो है इसको और एक्सटेंड भी नहीं किया जा रहा है, सेम जो डेट है उसी डेट पे जाकर के इसका फाइनल रखा गया है। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना। यहां तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।